Hello students, welcome to my channel. Hope you have watched my last videos, and today I am going to teach you features of a curriculum, and this topic is meant for class 12. As far as the features of the good curriculum is concerned, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि curriculum अच्छा curriculum होने की बदौलत से हमारे बच्चों के अंदर किस प्रकार की तब्दीलियां आ जाती है। जितना अच्छा कैरिकुलम होगा उतनी अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। गुड कैरिकुलम का बेसिक मकसद और मुद्दा यहाँ पे यही है। जहां तक गुड कैरिकुलम के फीचर्स का ताल्लुक है, इट इज अ ब्रॉड बेस्ड कैरिकुलम। ब्रॉड बेस्ड कैरिकुलम से मेरा मतलब है हैविंग ए लॉन्ग रेंज ऑफ स्कोप, कि हम एक छोटे से दायरे के अंदर नहीं रह सकते, हमें एक बड़ा दायरा है, हमें वहां तक पहुंचना है, हमें वहां तक जाना है और उस गोल तक पहुंचना है। ब्रॉड बेस्ड कैरिकुलम, good curriculum involves working with hands, also it is activity based, it is not merely books and theoretical. So why I told you that good curriculum is broad based, hame book ko dekhna hai, book important hai, book is a part of the curriculum, lekin hame book se bahar bhi aana hai. It is wholly and solely based on the activities, child-centered, activity-centered. तो यहाँ पे हमें ये देखना है, किताब के बगैर भी एक और दुनिया है, स्कूल की चार दीवारी के बगैर भी एक और बड़ा सा दुनिया है, जिस दुनिया को कल के इस बच्चे को एक नागरिक की हैसियत से उसको फेस करना है। तो we can say good curriculum is a broad based. Secondly, जब हम गुड कैरिकुलम की बात करते हैं तो we can say it is not overcrowded. That means good curriculum provides rich and significant training in one or two fields. एक फील्ड के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, और सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिन फील्ड्स में हमें इस बच्चे को लेके जाना है, जहां से ये बच्चा अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर लेगा, उन एक्सपीरियंस को हासिल कर लेगा जिन एक्सपीरियंस की बदौलत से ये अपने गोल तक पहुंचेगा, और उन्हीं एक्सपीरियंस की बदौलत से कल को ये समाज में अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकेगा, उनको देख लेगा, समझ सकेगा, समझना, देख लेना, परखना, उनको हल करना, डिसीजन लेना अच्छे कैरिकुलम की निशानी है। तो ये ओवरक्राउडेड नहीं है, यहाँ पे हमने बच्चे को मौका देना है। गुड कैरिकुलम मींस कि बच्चे के ऊपर फोकस, द होल एंड सोल इज द फोकस शुड बी ऑन द चाइल्ड फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द लाइफ, नंबर एक। नंबर दो, नंबर तीन, जब हम बात करते हैं कैरिकुलम की तो तीसरा जो फीचर इसमें है, गुड कैरिकुलम keeps in view the interests of the child and his intelligence level. Yani basic concept of the good curriculum is that hame bacche ki chahat, bacche ki desire aur uski intelligence level, that means potential of the learner, potential of the students, us pe focus hona chahiye. Good curriculum ka matlab ye hai कि बच्चे की लेवल को पहचानना बहुत जरूरी है, उसकी डिजायर, उसकी चाहत, उसकी कैपेबिलिटी, उनके अंदर जो इनेट पावर्स है, उन इनेट पावर्स को देखना है, दैट इज द गुड कैरिकुलम, और उसी की बदौलत से बच्चे के अंदर वो जो शुरू की जो हम बात बार बार कर रहे हैं एजुकेशन टर्म में, तो वो शुरू शुरू जो उसके अंदर आ जाता है, उस शुरू को देख के ही वो एक बैलेंसड, एक डेवलप्ड पर्सनैलिटी बन जाती है।
हमें बच्चे के अंदर ऐसे वैल्यूज को इनकलकेट करना है सो दैट वो जो तजुर्बा उनके पास आ जाएगा उन तजुर्बों की बदौलत से वो अपने जिंदगी को आगे तक लेके जाएंगे। दिस इज गुड कैरिकुलम। अनदर फीचर ऑफ द गुड कैरिकुलम इज दैट इज गुड कैरिकुलम मीन्स रियल लर्निंग एंड टोटल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। जो अभी मैं बात करते रियल लर्निंग में हमें जाना, एक्चुअल लर्निंग में हमें जाना, उसको एक्चुअल एक्टिविटीज में लेके जाना है। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्टिविटीज, उसके चाहत के मुताबिक, उसके टेस्ट के मुताबिक। वी हैव टू क्रिएट अ सच काइंड ऑफ द एनवायरमेंट सो दैट वहां पे टेस्ट डेवलप हो जाए, वहां पे ख्वाहिश डेवलप हो जाए। ऐसे एटीट्यूड्स को हमें डेवलप करना है। व्हाई? बिकॉज बेसिक कंसेप्ट तो यही है कि अच्छे कैरिकुलम की पहचान यही है कि हमें एक वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी को वजूद में लाना है। तो यहां पे रियल लर्निंग पे हम फोकस करते हैं। गुड कैरिकुलम मीन्स रियल लर्निंग एंड टोटल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। ये कौन सी पर्सनालिटी? इसकी मेंटल बैलेंस, यानी उसका जो शुऊर है वो विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन है। हमें उसको ये देखना है, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखना है, मॉरल वैल्यूज को देखना है, रिलीजियस वैल्यूज को देखना है, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज को देखना है। कहीं जहां से भी हमें इस शरीर को, इस बच्चे के शरीर को एक रिफाइनड पर्सनैलिटी तैयार करना है। दैट इज द गुड कैरिक्यूलम। एंड ऑल्सो वी कैन से गुड कैरिक्यूलम इज दैट विच प्रमोट्स वैल्यूज एंड कल्चर। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। वैल्यूज की बात मैं अभी इससे पहले भी कर रहा था। कल्चर्ड बनाता है, रिफाइनड बनाता है, स्वीटनेस आ जाती है, बोलचाल, कम्युनिकेशन, थिंकिंग पावर, रीजनिंग, वेल रिफाइनड, वेल सिविलाइज्ड, वेल करेक्टेड, सेल्फ डिसिप्लिनड, ये सब जो बातें हैं, ये ऐसे एटीट्यूड्स आ जाते हैं इस गुड कैरिकुलम की बदौलत से। ये हमारे अंदर ऐसे वैल्यूज को प्रमोट करता है। हम अपने कल्चर को समझ लेते हैं, हम अपनी सोसाइटी के अंदर बैठना सीख लेते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखते हैं। दिस इज द कैरिकुलम। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में लाना, रिक्रिएशनल डेवलपमेंट में लाना, रिलीजियस डेवलपमेंट में लाना, मॉरल वैल्यूज, कल्चर, कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशन, ये समझना, इन सब एटीट्यूड्स को देखना, इमोशंस को देखना, स्पिरिचुअलिटी को देखना, रियलिटी ऑफ लाइफ को समझना, दिस इज द गुड कैरिक्यूलम। एंड अनदर वन, गुड कैरिक्यूलम डेवलप साइंटिफिक आउटलुक। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कैरिक्यूलम का मतलब ही है एनालिटिकल अप्रोच, कि हमें किताब, खाली किताब पे नहीं रहना, किताब से बाहर भी बच्चे को लाना है, प्रैक्टिकल अप्रोच में इनको लाना, एनालिटिकल अप्रोच में इनको लाना है। हमें बच्चों को कैलकुलेटेड बनाना है, उनके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना है, उनके अंदर साइंटिफिक आउटलुक डेवलप करना है। सो दे विल थिंक मोर एंड मोर एंड मोर, दे विल गो फॉर द रिसर्च डीप एंड डीप एंड डीप, सो दैट दे विल फाइंड द न्यू थिंग्स। बिकॉज लाइफ इतनी सी नहीं है, लाइफ एक लंबा प्रोसेस है और जिंदगी के आखिरी सांस तक इंसान को सीखना है। तो सीखने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तो हमें अपने बच्चों को ऐसे वैल्यूज के तौर पे तैयार करना है। गुड कैरिकुलम ये सिखाता है, डेवलप साइंटिफिक आउटलुक एंड टेंपर। इट आल्सो लेज स्ट्रेस ऑन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ फंक्शनल सब्जेक्ट्स। गुड कैरिकुलम का ये मकसद है कि हमें देखना है कैसे टीचिंग लर्निंग, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसकी बदौलत से बच्चा सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग की जब हम बात करते हैं, प्ले वे मेथड की बात करते हैं, मॉन्टेसोरी मेथड की बात करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं, दैट इज अ साइंटिफिक वे ऑफ टीचिंग। साइंटिफिक मेथडोलॉजी हमें अप्लाई करनी है। गुड कैरिकुलम हमें ये बता देते ताकि बच्चा खुद ब खुद सीख ले,
with the help, with the guidance, with the assistance of the supervisor, with the assistance of the teacher, so that he can or she can reach up to the goal within a short period of time, so that the child will shoot up to the stars without any hesitation. That is the main goal, that is the main purpose of the good curriculum. क्योंकि एक पर्सनालिटी को हमें वजूद में लाना है. गुड curriculum, इट्स नॉट डोमिनेटेड by examinations only. Examination is a part of the curriculum. Examination is meant for to obtain and get the reward as a degree or degree. To complete the graduation, to complete the post-graduation, then we will get the certificate. That is the reward. But it is not dominated by the examinations only. यहाँ पे हम ब्रॉड वे में जाएंगे. इसका जो ब्रॉडर आइडिया है, जो ब्रॉडर स्कोप है इसका, वो तो आगे तक है. इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, हमें उन एक्टिविटीज की बात करनी है. उन एक्टिविटीज की बदौलत से हमारे शरीर में तब्दीली आ जाती है. क्योंकि गुड करिकुलम जो है ये टेंशन फ्री है एक्सपीरियंस टू द चाइल्ड. इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, आप सीख सकते हैं. आजकल आपके पास टेक्नोलॉजी है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, साइंस का दौर जिसे कहता है. इंसान खुद ब खुद एक मशीन बन चुकी है. आजकल इंसान को देख लो, वो जमीन से लेके कहाँ तक पहुंच चुका है. आजकल की टेक्नोलॉजी ये कहते हैं, दिस इज अ गुड कैरिकुलम नाउडेज. वी कैन से दिस इज अ कैरिकुलम, दिस इज द मॉडर्न कैरिकुलम. हमें इस कैरिकुलम को देखना है. हम एक एक रिसोर्स का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. हमें ऐसे रिसोर्सफुल अपने बच्चों को बनाना है. हमारे बच्चों के अंदर ऐसे ऐसे रिसोर्सेज डेवलप होने चाहिए, ताकि वो आगे जाके सोसाइटी में काम आए, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करें, सोसाइटी के लिए एक अच्छा पार्ट बने. गुड करिकुलम इज नीदर टू इजी नॉर टू डिफिकल्ट. Very important. It is not over the head of the students. It will keep in view individual differences. ये बहुत important है. Education में हमें सबसे पहले जो teacher को role होता है, perception, individual differences. You will find different kinds of the features on the global life, and every feature will vary from one person to another person. यहाँ पे ये सब हमें देखना है. This is the good curriculum. Individual differences. Individual thoughts, progressive हमें बनाना है अपने आप को. हमें बच्चों को progressive, well developed, well motivated, well corrected, well disciplined, well refined ऐसी personalities को develop करना है. That is the good curriculum. Because good curriculum should be responsible for personality development of learners. Personality development doesn't mean that we can go with the cosmetic fashions. No, cosmetic fashion is something different. यहाँ पे हमें अपने बच्चे को mental development में लाना है, physical development में लाना है, intellectual development में लाना है, moral development में लाना, religious development में लाना है. उसका सोच विचार खूबसूरत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. उसको well behaved बनाना, उसको self disciplined बनाना है. That is important. Self disciplined बनाना, self corrected, well corrected. That is the personality development. ये है good curriculum का काम, ये है good curriculum का feature, यही curriculum का सबसे बेहतरीन feature है. A good curriculum should be psychologically sound. आजकल का जमाना देख लो, पुराने traditional जमाने की बात करें और आजकल के modern जमाने की बात करें. पुराने जमाने में curriculum को हम मानते थे कि teaching, learning, books. लेकिन आजकल का जो modern curriculum है वो ये कहता है कि हमारे पास आजकल psychological है. It is all psychological. Psychologically हम अपने weapons का इस्तेमाल करते हैं. There are different kinds of the psychological principles of education. जो आजकल का teacher इस्तेमाल करता है classroom के अंदर, उन psychological principles की बदौलत से आजकल बच्चों में बहुत तब्दीलियाँ आ जाती है और आनी भी चाहिए. But that तब्दीली जो आनी चाहिए वो तब्दीली progressive होनी चाहिए.
वेल कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए, वेल डेवलप्ड होनी चाहिए। तो वी कैन से यहाँ पे आजकल साइकोलॉजिकल टूल का प्रयोग किया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग। हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पहले इजी कर लो फिर कॉम्प्लेक्स में चले जाओ। बहुत सारे ऐसे मैक्सिम्स का प्रयोग किया जाता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द गुड कैरिकुलम। अनदर फीचर ऑफ द गुड कैरिकुलम इज दैट इज एवरी कैरिकुलम शुड मीट द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल लर्नर्स। यस, दिस इज इम्पोर्टेंट। हमें बच्चे की, हर बच्चे की तरफ देखना है। हमें यहाँ पे भेदभाव करना नहीं है, प्राइवेट एज वेल एज द गवर्नमेंट। नो, हमारे लिए बच्चा है, हमारे लिए बच्चा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए लर्नर इम्पोर्टेंट है, भले ही वो किस स्कूल से बिलोंग करता हो। हमें ये नहीं देखना, हमें यहाँ पे कम्युनिटी को देख के बात नहीं करनी है, हमें बच्चे को देख के बात करनी है। तो हमारे लिए बच्चा इम्पोर्टेंट है, हमें फोकस बच्चे पे करना है, उसके इंटरेस्ट पे फोकस करना है, उसकी नीड्स पे फोकस करना है, ताकि वो समाज का एक अच्छा नागरिक साबित हो, कल को वो अपने पोजीशन को संभाल सके, कल को अपने पैरों पे खड़ा हो सके, कल को वो समझ सके। इसलिए कैरिकुलम के अंदर वोकेशनल एम का होना लाजमी है। हमें वोकेशनल बनाना है अपने कैरिकुलम। वुड कैरिकुलम यही कहता है कि इसको वोकेशनल बनाना है। हम कहते हैं अपना हाथ जगरनाथ, ब्रॉड बेस्ड, ये ब्रॉडली बेस्ड है, अपना हाथ जगरनाथ, स्किलफुल बनाना है बच्चों को। तो हम ऐसे कैरिकुलम में ऐसे वैल्यूज को डेवलप करना है। वो तब पॉसिबल होगा जब हम बच्चे की नीड्स को फुलफिल करें। हमें बच्चे की डिजायर्स को देखना, हमें बच्चे की चाहत को देखना है। दैट इज द गुड कैरिकुलम। एंड अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस गुड कैरिकुलम इज दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कैरिकुलम शुड हैव अ क्लियर ऑब्जेक्टिव और एंड गोल टू अचीव। यस ऑफकोर्स, कि हर किसी कैरिकुलम के अंदर ऐसा क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि मुझे क्या अचीव करना है, मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मेरी मेरा पाथ है ये, मुझे कहाँ पे जाना है, किस वक्त जाना है और कैसे इस पाथ को अपनाना है ताकि मैं अपने मंजिल को छू लूं। एक रिजल्ट ओरिएंटेड हमें अपने बच्चों को बनाना है ताकि नतीजा सामने आ जाए, एक अच्छा रिजल्ट सामने आ जाए। प्रोडक्टिव बनाना है, कंस्ट्रक्टिव बनाना है। तो ये मेन फीचर्स ऑफ द कैरिकुलम थे। तो आज हमने बात की फीचर्स ऑफ द कैरिकुलम की, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द कैरिकुलम। टिल देन गुड बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।